Hello students, today we are going to start your poem second of class 9th English. So last class mein hum aapki poem first aapko padha chuke hain, the road not taken. Aapke second chapter ke baad jo poem hai, second poem hai, wo hai wind. Wind means kya hota hai? Hawa. To isme jo chapter poem mein hai, the wind blows strongly and causes a lot of destruction. तो जो हवा होती है बहुत कभी कभी बहुत तेज चलती है और डिस्ट्रक्शन होता है विनाश यानी कि कुछ नुकसान का कारण होती है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट. तो हम इसमें पोयम में ये कहा है कि हवा किस तरीके से डिस्ट्रक्शन करती है, किस तरह से डिस्ट्रॉय करती है चीज़ों को और कैसे हम उससे दोस्त बन सकते हैं यानी कि हवा से दोस्ती कर सकते हैं. तो आइए पोयम स्टार्ट करते हैं. तो पहली लाइन है विंड कम सॉफ्टली. हवा से वो कहते हैं थोड़ा सॉफ्टली आओ, आराम से आओ. डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज. वो कहते हैं शटर ऑफ द विंडोज, विंडो की जो खिड़कियां होती हैं उनके जो वो लगे थे शटर यानी कि जो आप बोलते हैं ना क्या उनको बोलेंगे शटर ही बोलेंगे चलो ठीक है. तो क्या होता है वो कहते हैं शटर इसको मतलब उसको मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर. जब हवा बहुत तेज चलती है तो जब खिड़कियाँ होती हैं तो खिड़कियाँ एकदम से आवाज आती है फटर फटर वो एकदम बंद होती हैं खुलती हैं. तो वो उसको कहते हैं इसको मत तोड़ो और आराम से सॉफ्टली आओ. डोंट स्कैटर द पेपर्स. पेपर्स मतलब पेपरों को मत फैलाओ. ऐसे हवा एकदम से आती है सारे पेपर रखे हो एकदम से पूरे पेपर पूरे में फैल जाते हैं. स्कैटर मीन्स फैलाना. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. और जो सेल्फ पर बुक रखी रहती हैं जब बहुत तेज हवा आती है तो बुक्स वगैरह भी पूरी फैल जाती हैं और वो नीचे गिर जाती हैं. देयर लुक यू व्हाट यू डिड यू थ्रू देम ऑल डाउन. अब वो कहते हैं देखो यहाँ देखो तुमने क्या किया यानी कि पेजेस फैल गए, बुक्स भी नीचे गिर गईं, खिड़कियों के शटर भी टूट गए. तो उन्होंने कहा कि देखो तुमने क्या किया. ये विंड से कहते हैं यू थ्रू देम ऑल डाउन. तुमने सब चीजों को नीचे गिरा दिया. वो हवा से कहते हैं यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स. आपने बुक के पन्नों को पेजेस ऑफ द बुक्स और टोर मीन्स फाड़ना. जब तेज हवा चलती है तो बुक के पन्ने भी फट गए हैं. You brought rain again. और तुम फिर से बारिश भी लाती हो. तो ये विंड से कहते हैं कि आप शटर मत तोड़ो, आप पेपर मत बिखारो और बुक से सेल्फ से बुक्स को मत गिराओ. और तुम क्या क्या करती हो, कितना सारा तुमने सब कुछ गिरा दिया है और तुमने बुक्स के पेजेस भी फाड़ दिए हैं और तुम फिर से बारिश लाती हो. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. अब यहाँ बात आती है ह्यूमन बींग्स की. अभी बुक्स की बात हो गई, ये सब हो गया. अब उन्होंने कहा है यू आर वेरी क्लेवर. किससे कहते हैं विंड से. तुम बहुत चतुर हो, बहुत होशियार हो. क्या करती हो एट पॉकिंग. पॉकिंग फन का मतलब है मेकिंग फन ऑफ यानी किसी का मजाक उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाना या किसी पे मजाक करना. तो तुम बहुत चतुर हो. तो वीकलिंग्स माने कमजोर लोगों का. तुम कमजोर लोगों का मजाक उड़ाती हो, कमजोर लोगों के ऊपर हंसती हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. और फ्रेल मीन्स होता है डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना. तो तुम क्या करती हो क्रम्बलिंग उसका कुचलना, उसको बर्बाद करना. तो आप क्या कर देती हो, हवा से कहते हैं कि आप घरों को कुचल देती हो. क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजों को तोड़ देती हो. क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स को तोड़ देती हो. और वुड को, बॉडीज को और लाइव्स को यानी कि आप सब चीजों को तोड़ देती हो, खराब कर देती हो कि हाउसेस, घरों को, दरवाजों को और आप वुड को और बॉडीज को बल्कि जीवन को भी आप बर्बाद कर देती हो. जो भीग लोग होते हैं उसको झेल नहीं पाते हैं तेज हवाओं को और वो उनको नुकसान होता है. क्रम्बलिंग हर्ट्स, आप हर्ट्स को भी तोड़ देती हो. हवा से बोलते हैं अब द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम. द विंड गॉड, जो विंड गॉड होते हैं हवा के देवता, पवन देवता, विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, वो सब चीजों को यहाँ पे कुचलते हुए चले जाते हैं. ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम. और वो नहीं कर सकते जो तुम उससे कहते हो. अब उन्होंने यहाँ आगे ये बात उन्होंने कही हवा के लिए कि आप क्या क्या करती हो, कैसे नुकसान करती हो, क्या क्या आप नुकसान पहुंचाती हो. अब वो लोगों से कहते हैं, जैसे सेकंड लाइन में था हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, हम किस तरह से उसकी दोस्ती करें. तो वो आगे इन लाइनों में है. तो इन्होंने कहा है सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. तो उन्होंने कहा आओ हम घरों को स्ट्रॉन्ग बनाए यानी हमारे घर होते हैं उनको मजबूत बनाए. फिर उन्होंने कहा लेट्स ज्वाइन द डोर फेमली. और जो डोर से दरवाजे उनको मतलब स्ट्रॉन्गली मतलब बहुत अच्छे से टाइट उनको जोड़ें. मेक द हार्ट स्टेड फास्ट. और दिलों को बहुत स्टेड फास्ट यानी कि बहुत ज्यादा
उसमें उन्होंने कहा हर्ट्स को भी बहुत मजबूत बना के रखें. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद इट. ये उन्होंने कहा ये करो इस तरीके से तुम्हारी हवा दोस्त बन जाएगी. कहने का मतलब ये है कि जैसे जब हवा तेज आती है तो आप जब दरवाजे कमजोर होंगे टूट जाएंगे, फिर आप कहोगे हवा से टूट गए, पेपर बिखर गए, तो आप उसके लिए तैयार रहो कि अगर स्ट्रांगली हवा बहती है, तेज हवा आती है, उसके लिए आप तैयार रहो. आप अपने घरों को मजबूत बनाओ, डोर्स को अच्छे से ज्वाइन करो कि वो टूटे नहीं, और अपने हार्ट्स को भी मजबूत करो, और ये सब करो तो इससे क्या हवा आपकी दोस्त बन जाएगी. द विंड ब्लोस आउट वीक फायर्स. और क्या होता है विंड जब हवा बहती है तो वो वीक फायर माने छोटी सी चिंगारी, थोड़ी सी हवा को भी बुझा देती है. लेकिन ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरेस. तो वो क्या करती है हवा छोटी सी थोड़ी सी आग को भी भड़का देती है और एकदम से बहुत बहुत ज्यादा तेज आग बन जाती है. हिज फ्रेंडशिप इज गुड. इसकी दोस्ती अच्छी है. वी प्रेज हिम एवरी डे. हम इसकी रोज तारीफ करते हैं. तो उन्होंने ये पोयम लिखी है सुब्रमण्य भारती ने और ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय ए के रामानुजन. तो ये रामानुजन द्वारा पोयम है, इस तमिल की है, इससे इन्होंने इसको इंग्लिश में लिखा है. तो उन्होंने पहले उसे बताई है कि विंड के बारे में कैसे बहती है और क्या कैसे नुकसान होते हैं. फिर उन्होंने ह्यूमन बींग्स को सलाह दी है कि आप कैसे कैसे क्या करो ताकि उसके फ्रेंड बन जाए, यानी कि उससे आपको नुकसान ना हो, आप उससे बच सको, उससे अपने आप को सेफ रख सको, और उससे आप क्या है, आप सेफ रहोगे तो आप उससे फिर फ्रेंड बन जाओगे, आपको उसके तेज बहने में दिक्कत नहीं होगी और आप उसकी तारीफ करोगे हवा की. नीचे इनका पोयर का थोड़ा दिया हुआ है. सुब्रमण्य भारती 1882 फ्रॉम 1882 टू 1921 इज अ ग्रेट तमिल पोइट. तमिल के ग्रेट पोइट थे ये. फेमस फॉर हिज पैट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा. और वो फेमस थे अपनी देशभक्ति के लिए. ए के रामानुजन इज अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोइट. और जो रामानुजन थे वो एक कन्नड़ इंग्लिश पोइट थे, वेल नोन, अच्छे जाने माने थे. ऑफ हिज ट्रांस फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिक एंड मॉडर्न पोइट्री. और उन्होंने क्लासिकल और मॉडर्न पोइट्री लिखी हुई है. दो लोगों का नाम है, इस दोनों के बारे में बताया है कि ये अच्छे पोइट थे, जाने माने फेमस पोइट थी, और ये अपने पैट्रियोटिज्म के लिए फेमस थे. तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि विंड के बारे में बताया है कि विंड किस तरीके से बहती है और क्या क्या उनसे होता है. ओके, थैंक यू. सो आप इसको और पढ़ लें, समझ लें, और रीड इट, रिपीट इट. थैंक यू.